यात्रा चला जाएगा बगल बगल में या अन्य जगह चला जाएगा। तो राम कथा सुंदरगढ़ तारीफ और संशय विहंगा उड़ावन हारी। राम की कथा जो सुनता है और मन जो सुनता है और ये भजन सुनता है वो मन एकाग्रित होता है। तो बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, नाथ जी महाराज की जय। कभी भी जयकारा हाथ उठा करके लगाना चाहिए, क्योंकि जब हाथ उठाएंगे आप तो आपका मन एकाग्रित होगा और उसमें जयकारा बढ़िया लगेगा और इधर उधर बन जाएगा तो ताड़ी इधर चला जाएगा, खबड़ी इधर चला जाएगा। और हाथ उठाइएगा तो भगवान के नाम का स्मरण शक्ति रहेगा। तो बोलिए शंकर भगवान की, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम लोग आज पूर्णावति दिवस के पावन पवित्र मेला में जग नारायण भगवान के पूजन अर्चन किए और आप लोगों के इतना अच्छा रासलीला चल रहा था रामलीला। हम लोग आप लोगों के कुछ समय हम लोग चुरा रहे हैं और इसी में दो चार शब्द में सर्वप्रथम इस रासलीला के ताली से स्वागत करेंगे। बताइए कि अगले साल यज्ञ होगा, करना चाहिए कि नहीं? सभी लोग हाथ उठाएंगे। भगवान ने जिनको हाथ दिया, एक दिया है तो एक उठाएंगे, दो दिया है तो दो, आज जो लूला लड़ा होगा तो उठाएगा। भगवान ने जिसको हाथ दिए हैं दोनों हाथ, यानी होना चाहिए। आप लोग बोलेंगे अगले साल यज्ञ होना चाहिए ना, तो अगले साल के जो यज्ञ होता है, अगले साल जो हो यज्ञ होगा उस यज्ञ का नाम है श्री शिव पार्वती गणेश महायज्ञ। प्रेम जय शिव पार्वती गणेश महायज्ञ की, शिव पार्वती गणेश महायज्ञ की, नाथ जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की। पूर्णावती को अग्नि नारायण भगवान को अर्पित किया जाता है जब हमारा यज्ञ सफलता से पूर्ण हो जाए। रासलीला का, पंडित जी लोगों का, भंडारा का, जो भी अतिथिगण आए उनका हम अच्छा से सादर सत्कार विदाई कर लिए, उसी समय पूर्णावती डाला जाता है। तो हम लोग का यह यज्ञ आज पूर्ण हुआ, इसके लिए कमेटी के समस्त सदस्यों को जय श्री राम, जय श्री राम। जितना भी धन्यवाद कहा जाए कम ही पड़ेगा, जितना कहा जाए उतना कम ही पड़ेगा कि इतना कम समय में इन लोगों ने इतना अथक परिश्रम कर इस जगह को सफल बनाया। और हमारे जितने भी मीडिया प्रभारी लोग आए हैं, हिंदुस्तान प्रभात यानी जो भी हर एक चैनल से, सबके लिए एक बार जय श्री राम। इन लोगों ने इस देश नहीं विदेशों में इस पूजा को पहुंचाया, ये नाथ जी का कृपा है। तो अगले साल जो यज्ञ होगा उन यज्ञ प्रारंभ होता है फाल्गुन कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि के दिन, उस दिन गुरुवार, उस दिन यज्ञ प्रारंभ होता है और त्रयोदशी यानी महाशिवरात्रि के दिन पूर्णाहुति होता है। तो अगले साल यज्ञ का डेट है 29 फरवरी 2024 से प्रारंभ होगा एवं 8 मार्च 2024 तक। प्रेम से यज्ञ नारायण भगवान की। इस यज्ञ के मुख्य यजमान जो हमारे सामने आएंगे, परम आदरणीय सम्मानीय श्री संतोष सिंह जी डॉक्टर साहब, समस्त कमेटी के सदस्य महाराज जी और हमारे लीला बिहारी के सरकार चेतन जी हमारे यजमान जी को सम्मानित करेंगे। पिता की जयकारा में कंजूसी करे वाला की कितना लोग अगला दिन में हकलाए लगे लगता है, साफ ना बोल पाए। उस दिन बोले ना जो हिंदू है,
अगर चंदन नहीं लगाता है तो धिक्कार है, हिंदू है और सीखा नहीं लगता है तो धिक्कार है समस्त हिंदू को। यह जग क्या हो रहा है सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए, तो हमारे जजमान जी और समस्त कमेटी के संस्कार जजमान जी को सम्मानित करेंगे। प्रेम से जय जय नारायण भगवान की, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे इस जजमान जी को। अगले साल के जजमान जी हमारे डॉक्टर साहब रहेंगे जो कि, और श्रीमती सुचित्रा देवी जी ग्राम बैकुंठपुर निवासी अगले साल के जजमान जी हैं। और दूसरा हमारे जजमान जी बोलेंगे उसके बाद बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली राज बिहारी सरकार की जय, बोली यज्ञ भगवान की जय। भक्त अरे तू सुत नहीं सोना, तू तो राम को रुपया, तेरी माँ ने खाई खाड़ याद पैदा भयो भाड़, इन गोपीन के पीछे फिर गाड़ी को सोपैया है, यहाँ दंडान की मार तेरे कुल को श्रृंगार, और तू पृथ्वी को भार यादे भूस को खवैया है, हमने तो जानी खावे घर की तूसानी, पीवे पोखरा को पानी यादे भैंस को तू भैया है। सुन भाभी, भैंस का भाई होता है भैंसा, लेकिन पता है तुम कैसी लग रही हो? कैसी लग रही है? हम सबकी बात लगे या है बुरी, अपनी बात लगे या है बढ़िया, खासम खास खसम हम आगे, हमको बता रही है खड़िया, दही दूध माखन सासो चुराए के खायो खूब, याते जांगन में पर रही अड़िया, और होरी में गोरी तू ऐसी लगे पतली की पतली सी भैंस की मोटी सी पड़िया। फागुन मास लगे हो जब ते तब ते ब्रज में अत उधम मचो हे, नारी नवेली रही ना कोई, इन सबके मिलके एक मंत्र रचो हे, साँझ सवेरे उठूं नित भोर, ये रंग सुरंग मेरे अंग पर्यो हे, यो सजनी निर्लज भई ये पीपल को भूत मेरे पीछे पयो हे। तो सुन भाभी, हफ्ते के भूत बता दिए, तुम कैसी लग रही हो? तुम्हें पुतो है? कैसी लग रही है लाला जी? नैनन में हे बसे और पैन बने मिस भरी टकारी, तो सुन देखी गुमान भरी, मरावे सिर पे काली घटारी, तू चित्त को चुराए के चुप चले, तेरे जोबन की एक विचित्र छटारी, और होरी में गोरी तू ऐसी लगे सत्तू पुजारी की फूटी अटारी, जैसे कोई खंडर मकान नहीं है जाता है, ऐसी लग रही हो हमें। अरे लाला तेरे बेटी तू सूखे है रे ओ सारंगी, बांध चलो है कलंगी, गरी
ये बयान की तरफ से का शुक्रिया। प्रतिभा कुमारी सिंगर पट्टी उठिया ये 200 रुपया दान दे रही है। I'm not afraid of the dark.